भारत और पाकिस्तान काफी लंबे समय से एशिया की दिग्गज क्रिकेट टीमें रही हैं और दोनों के बीच जब भी मैचेस खेले जाते हैं तो मुकाबले काफी रोमांचक और दिलचस्प होते हैं। लेकिन मुंबई में हुए 2008 के हमले के बाद से ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने उस हमले के बाद से 2 सीरीज भारत आकर खेली है, मगर पाकिस्तान की टीम भी आखिरी बार 2013 में भारत आई थी और उसके बाद से ही दोनों देशों ने आपस में कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध और आतंकवाद के कारण अब तक इस पूरे मामले में बीसीसीआई ने कभी कुछ ज्यादा खुलकर बात नहीं की और हमेशा ही राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रस्तावों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। दोनों देश अब सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर टेबल टॉक के लिए राजी हुए हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि इसी महीने यानी मार्च में दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक में इस मामले पर भी कोई फैसला आ जाए। इस बैठक में सीरीज के अलावा अक्टूबर में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों, पत्रकारों और दर्शकों के लिए वीजा और अन्य सुविधाओं के बारे में भी बीसीसीआई ने आईसीसी को सूचित करना है। इस पूरे मामले में पीसीबी के अधिकारी शकील खान ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए हमेशा तैयार रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने हमेशा अपना रुख सख्त रखा है और अगर दोनों देशों के बीच सीरीज होती है तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आकर खेलना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम 2 बार लगातार भारत में जाकर सीरीज खेल चुकी है। फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है।